नमस्कार। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अगले चरण पर बात करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आप लोगों ने काफ़ी हद तक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखे हैं। उसमें भी हम लोगों ने सम स्पेसिफिक एंगल को लेके बात की थी कि वास्तविक में बेसिक एंगल को लेके हम लोग किस प्रकार से उनकी वैल्यूज निकालते हैं। एग्जांपल के रूप में 0 डिग्री बताया था, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री के बारे में। दीज आर सम बेसिक एंगल और उनके रेशियोज भी हमने ठीक ठीक पढ़ लिए थे। ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात करूँ तो आपको तभी माइंड में क्लिक होना चाहिए कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक से पाला पड़ने वाला है। ये बहुत मायने रखता है आपके जीवन में। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के साथ जुड़ेंगे तो आपको ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक तो मिलेगा ही मिलेगा, और इनके वैरायटीज ऑफ फॉर्मूले और प्रॉब्लम्स भी दिखेंगे। और एक बात खास करके, ट्रिग्नोमेट्री Why it is very important? ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट क्यों है? शायद ही आपको मालूम होगा कि ट्वेल्थ में हम लोग जब प्रॉब्लम या फिर यूनिट्स पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे यूनिट में ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र किया है। काफ़ी सारे यूनिट में ऑटोमेटिकली ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, लगभग हवा में यूज हो जाता है। तो उसके लिए बेसिक कंटेंट सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सभी से विनती है कि जो हम लोग फाउंडेशन कोर्स में यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट पढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं, वो आपके निजी जीवन में स्पेशली 11th और 12th इन 2 साल में आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने 0 डिग्री एंगल के ऊपर 30, 60, 45, 90 सारे के सारे एंगल के बेसिस पर ट्रिग्नोमीटर रेशियोज बनाए थे। उन्हीं ट्रिग्नोमीटर रेशियोज को अब मैं टेबल के फॉर्म में लिखने वाला हूँ। अभी तक जो मालूम नहीं था, जो हमने अभी तक समझा ही नहीं था या फिर किया ही नहीं था, उन सभी के बारे में आज पूरा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। टेबल किस प्रकार से लर्न करना है ये भी मैं समझाऊंगा आज। तो कॉन्सेंट्रेट होके क्लियर समझिए, देखिए और फिर उसको याद रखिए, ठीक है। तो देखिए, यदि मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की टेबल की बात करता हूं तो देखिए, यहां पर पहला वाला हमने 0 डिग्री देखा है, फिर बाद में हमने 30 डिग्री देखा था, फिर मैं बाद में 30 के बाद में 45 अच्छा लगता है तो 45 लिखूंगा, फिर बाद में मैं 30 तो हो गया ना, 60 लिखने वाला हूँ, 60 डिग्री, और फिर लास्टली 90 डिग्री लिखने वाला हूँ, ठीक है। सारे के सारे टेबल निकालना है अब हमें, जो भी वैल्यूज हमने निकालनी है टेबल के हिसाब से निकालो, टेबल के हिसाब से लिखो, मतलब ये याद रहने चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पर साइन थीटा डिग्री, हमने ए बोला था साइन ए कॉस ए, तो ए बोला या फिर थीटा बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन थीटा, फिर बाद में कॉस थीटा, फिर बाद में टैन थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा, उसके बाद में सेक थीटा, और यहाँ पर इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। बहुत ही आराम से बात करेंगे। देखिए, लाइन मारना मेरी फितरत नहीं है, मैं खतरनाक आदमी, आप भी बनाएंगे टेबल ऐसी आशा रखता हूँ। आपको भी टेबल बनाना है, सुंदर बनाना है, यहाँ पर सुंदर अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए टेबल का रूप देखिए सुंदर तरीके से। टेबल तभी याद होगा जब ठीक तरीके से निकालेंगे, समझेंगे, अप्लाई करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे, सर इतनी सारी वैल्यू याद रहेगी क्या? मेरा कहना है कि इतनी वैल्यू याद नहीं रहेगी, मैंने तो याद नहीं किए, आपका मालूम नहीं। कुछ लोगों ने करते हैं, कुछ लोग 10-30, 10-60 कुछ लोग करते हैं, उनका आदत होती है लर्निंग।
फटाफट लर्न करो, फटाफट लर्न करो। कितने दिन लर्न कर पाओगे बताइए तो सही, समझाइए तो सही। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, कंटेंट और बढ़ेंगे, फॉर्मूले और बढ़ेंगे, पीछे वाले फॉर्मूले भूल जाएंगे। ऐसा याद रखो कि हमारे निजी जीवन में उसका लास्ट तक, अंत तक महत्व उतना ही रहे, उतना ही कॉन्सेंट्रेटेड हमें याद भी रहे। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लगता ही है और साथ में मैथमेटिकली प्रैक्टिस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी बहुत बड़ा एक हथियार होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलो तो यहाँ पर देखिए, मैं जल्दी से आता हूँ। मुझे साइन का भी टेबल नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम। मैंने सिखाया आपको प्रीवियस सेशन में, सीखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री सब सीखा है, पर लेकिन मुझे मालूम नहीं है। अब इस सिचुएशन में क्या करें भाई, मालूम नहीं है तो भी निकालना है। अरे भाई मालूम है, स्टेप मालूम है, फीलिंग आती है मुझे, मुझे ये वैल्यूज याद रखने में कोई तकलीफ है ही नहीं। हाँ मुझे मालूम नहीं है पर लेकिन मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैसे, आइए देखिए। मैं 0 डिग्री के ऊपर ये 0 यहाँ पर, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 डाल देता हूँ। देखिए मैंने क्या कर दिया, समझिए। जिन लोगों को मालूम होगा अच्छी बात है, जिनको मालूम नहीं होगा समझ लीजिए इस बात को। तो यहाँ पर देखिए 0, 1, 2, 3, 4 डाल दिया। अब सबको डिवाइड कर दो 4 से, सबको डिवाइड भी कर दिया 4 से, सबको डिवाइड 4 से, सबको डिवाइड 4 से, सबको डिवाइड 4 से, सबको डिवाइड कर दिया भाई साहब 4 से। अच्छा अब साइन का टेबल बनाएंगे। अब साइन का टेबल बनाते समय याद रखो कि सबसे पहले यहाँ पर अंडर रूट देना है, अंडर रूट। देखिए देखिए, थोड़ा सा घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, समझ लीजिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0/4 पहले कितना होता है 0। हम लोग साइन का टेबल बना रहे हैं, एक साइन वाली लाइन ही याद रखनी पड़ेगी, याद भी नहीं रखनी पड़ेगी, वो मैंने बता दिया किस प्रकार से। पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखो, फिर सबको 4 से डिवाइड करो और सबका अंडर रूट निकालो। इतनी स्टेप मालूम होती है, इतनी तो बेसिक स्टेप है। 0, 1, 2, 3, 4 लिखो, डिवाइड 4 से करो और सबको अंडर रूट दे दो ठीक है। अब आइए यहां पर देखिए 0/4। अरे भाई 0/4 तो 0 होता है और अंडर रूट 0। अरे भाई अंडर रूट 0, 0 के ऊपर आगे पीछे कुछ भी रखो, 0 तो हमारा 0 ही है। 0 हीरो कभी नहीं बनेगा, 0 0 ही रहेगा। यस, तो यहां पर आ गया 0 आंसर। फिर यहां पर आते हैं, देखिए अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट ऑफ 1, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है भाई साहब। और अंडर रूट ऑफ 4, स्क्वेयर रूट ऑफ 4 मालूम है जी 2 होता है, ये देखिए। तो यहाँ पर 1/2 मिलेगा। यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अंडर रूट 2 एज इट इज आएगा बराबर है, और नीचे अंडर रूट 4 का मतलब स्क्वेयर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। क्या हम लोग इस 2 को रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? देखो तो चेक करो, क्या इस 2 को अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? देखिए आखिर में स्क्वायर के साथ रूट गेट कैंसिल होने वाला ही है, तो 2 को अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो रूट 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 रूट 2 के साथ 1 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा, तो आंसर मिलेगा 1/√2। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंडर रूट 3 अलग दे दिया, और जैसे ही अंडर रूट 4 करेंगे तो अंडर रूट 4 का मतलब होता है वापस से 2। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 4 4 गेट कैंसिल, और 4 4 गेट कैंसिल हो गया तो 1, अंडर रूट 1 का मतलब 1। आई थिंक कहानी आपके पकड़ में आ गई। आपको क्या करना था, केवल साइन का एक लाइन याद रखना था, याद भी नहीं रखना था, वो ऑटोमेटिक समझ में आ ही जाता है आपको। जैसे ही आपने साइन का एक लाइन याद कर लिया या फिर आपको याद रह गया, तो समझ लीजिए बाकी तो पानी कम चाहे, पानी कम चाहे। अब कैसे बनाता हूँ देखिए, बहुत मज़ा आता है। देखिए साइन 0 0 डालेंगे तो 0 मिलेगा, साइन 30 30 डालेंगे तो 1/2 मिलेगा, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, एंड साइन 90 दैट इज़ 1।
याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस होगी, बहुत बार यूज करेंगे, तो याद थोड़े बहुत तो रह जाएंगे, पूरे नहीं, थोड़े बहुत रह जाएंगे। तो मेरा हर बार कहना है स्टूडेंट को, एक तो ये, नहीं तो सीधा बोल देता हूँ कि पहली लाइन याद रखिए। ये पहली लाइन जो है ये हनुमान चालीसा जैसे साबित होगी, भूत भाग जाएगा कठिनाई वाला भूत, और जल्दी से यहाँ पर आपको तुरंत सारे के सारी वैल्यूज मिल जाएंगे। अब देखिए मैं कैसे करने वाला हूँ, आगे के बहुत आसान है। मुझे ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं आता, पर लेकिन मुझे ट्रिग्नोमेट्री को निभाते आता है। यहाँ पर देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ओके। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लिखी आपने, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में लिखे आप। अब शुरुआत यहीं से होगी, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे पहले, फिर बाद में √3/2 लिखेंगे, फिर बाद में 1/√2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे, फिर 0। पहले ऐसी गई थी, अब ऐसे आई, मतलब शुरुआत यहीं से हुई, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है। अब इसके बाद में tan का कैसे निकालेंगे? अरे भाई tan का मतलब जानते हैं ना जी आप, tan का मतलब क्या होता है? साइन बाय कॉस। ये ट्रिग्नोमेट्री में मैंने शुरुआती दौर में ही पढ़ा था, जो कि 10th में भी काफ़ी हद तक आप लोग पढ़ लेते हैं इसको। तो साइन बाय कॉस क्या होता है? साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस यदि पढ़ेंगे तो देखिए साइन बाय कॉस, tan का मतलब साइन बाय कॉस, 0/1, अरे भाई साहब 0, 1/2 upon √3/2, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आंसर मिलेगा। अरे ये 1/√2, 1/√2 पूरा साइन बाय कॉस बोला है, साइन बाय कॉस, तो ये 1/√2, 1/√2 पूरा कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल यानी 1। यहाँ पर देखें 2 नीचे वाला कैंसिल, √3/1, अपॉन में 1 तो कभी लिखते नहीं, याद करो। और जब 1/0 करेंगे तो हमने लिखा था एनीथिंग अपॉन 0 दैट इज इन्फिनिटी, तो यहाँ पर इन्फिनिटी बोलो या फिर इसी को नॉट डिफाइन भी बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग टेबल किस प्रकार से बना रहे हैं। बस हो गया, अब कॉट का कैसे निकालेंगे कोई बता सकता है? अब सिंपली किसका उल्टा है कॉट? कॉट ये टैन का उल्टा होता है, तो 0 को यदि उल्टा करोगे, मतलब रेसिप्रोकल करोगे, तो 1/0 होगा, और 1/0 का मतलब, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं सीधा सीधा टैन को इस डायरेक्शन में लिखा, कॉट को इस डायरेक्शन में लिखे, क्योंकि आपस में रेसिप्रोकल है, तो टैन को इस डायरेक्शन में लिखा, कॉट को इस डायरेक्शन में, शुरुआत वहाँ से होगी इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3, 0। अब यहाँ पर बारी आती है किसकी? अब यहाँ पर बारी आती है हमारी सेक भाई साहब की, ठीक है। तो सेक को किस प्रकार से लिखेंगे बताओ फटाफट? तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक ये रेसिप्रोकल होता है कॉस का, सेक ये रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो यहां पर रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दो, 1 का उल्टा भाई 1, देखिए 1 है, उल्टा भी किया तो 1 ही मिलता है जी, ये लाइन है ऐसी एक एक, इसको उल्टा भी किया तो वही मिलेगा ना 1 है एज इट इज। फिर बाद में इसको भी उल्टा करो, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, इसको भी उल्टा करो, √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, 1 कभी भी अपॉन में नहीं लिखते, 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, और 0 को जब नीचे लेके जाओगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो 1/0 आएगा, 1/0 का मतलब अगेन इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड कंडीशन मिलती है जब 0 को रेसिप्रोकल यानी उल्टा करोगे तब। और लास्टली अब कोसेक, वैसे कोसेक को हम लोग जिस डायरेक्शन में हम लोग सेक को लेके गए उसके उल्टा कोसेक होता है, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है रेसिप्रोकल, तो इसको भी उल्टा कर सकते हैं, 0 को उल्टा किया तो 1/0, 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, इसको उल्टा किया तो 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, 1 अपॉन में लिखते नहीं, इसको ऊपर गए तो √2 ऊपर आया, 1 नीचे आया, 1 लिखते नहीं है, इसको ऊपर लेके जाओ 2 ऊपर, √3 नीचे, और 1 को यदि उल्टा भी किया तो 1 ही मिलता है। मतलब यदि किसी ने आपको पूछा कि आप बताइए कि tan 30 कितना, तो आपको तुरंत याद नहीं आएगा फिलहाल में, शुरुआती दौर में, पर लेकिन प्रैक्टिस होने के बाद में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको लगभग tan 30
मालूम रखने के लिए साइन 30 और कॉस 30 मालूम पड़ना पड़ेगा। तो साइन 30 वन बाई टू, कॉस 30 रूट थ्री बाई टू, टू टू गेट कैंसल, वन बाय रूट थ्री, ये टेन 30 की वैल्यू। जब तक टेबल आपके मन में है, या फिर मैं बोलूँगा एक बार जब भी आप लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो रफली टेबल निकाल के रखें, कई बार यूज़ हो जाता है टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर इतना तो आपको समझा है, वेरी गुड। तो इसके भरोसे हम लोग क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? डेफिनेटली कई सारे प्रॉब्लम इसके भरोसे सॉल्व होते हैं, कई सारी वैल्यूज़ मिलती हैं इसके भरोसे, वो वैल्यूज़ पुट करके डायरेक्टली आंसर निकलता है। यदि मैंने पूछा कि सेक 60 बताओ, तो सेक का 60 में का देखो तो 2 मिलेगा। यदि मैंने बोला साइन 90 देखो, तो साइन 90 की वैल्यू देखो 1। आपको अब समझा होगा कि टेबल किस प्रकार से प्रिपेयर किया है और किस प्रकार से निकालना पड़ता है, आई थिंक सबको समझा होगा। कुछ प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि और पकड़ मजबूत हो जाए। आइए पहले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। लिखिए पहला प्रॉब्लम, इवेल्युएट, क्वेश्चन नंबर 1 आज का, इवेल्युएट cot 30 sec 30, cot 30 sec 30 प्लस, ये डिग्री होता है, मैंने नहीं लिखा तो ऐसा मत समझो कि डिग्री नहीं है, डिग्री लिख दिया है भाई मैंने, प्लस cos 60 tan 45, cos 60 tan 45 डिग्री। एक बार चेक कर लेता हूँ प्रॉब्लम में, cot 30 है, sec 30 है, ओके ओके ओके। हाँ, सॉल्यूशन पर आते हैं। अब सॉल्यूशन में क्या है, शुरुआती दौर में यदि आपको ये टेबल नहीं मालूम और डायरेक्टली ये प्रॉब्लम दे दिया, क्या कर पाओगे आप लोग? यदि टेबल ही मालूम नहीं है तो आपके हाथ कटे हुए हैं, मैं तो बोलूँगा सब कुछ कटा हुआ है, क्योंकि जब तक ये टेबल मालूम नहीं है तब तक ये प्रॉब्लम करना असंभव है। संभव बनाने के लिए तो हमने टेबल निकाला। तो आइए टेबल के अनुसार यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जब तक ये पास है तब तक कोई चिंता की बात नहीं है, ये हट गया आपके हाथ भी कट गए, ये बहुत इम्पोर्टेंट याद रखिए चीज़। और यदि ऐसा नहीं करना है तो इस टेबल को अच्छी तरीके से परख लीजिए। मैं तो स्टूडेंट को बोलता हूँ एक लाइन याद रखिए, काफ़ी सारा मैटर जल्दी से याद रह जाता है। ऐसा सोचना पड़ता है, देखो ऊपर ऊपर ऐसे सोचना पड़ता है, कैसे हुआ, यस, जोर डालना पड़ता है, जोर से ही शोर होगा और शोर से ही प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए cot 30, cot 30 यहाँ पर देखेंगे तो cot 30 यानी रूट 3 लिख लेता हूँ, ओके। cot 30 यानी रूट 3 होता है, cot 30 था क्या, ओके बराबर है, वेरी गुड, cot 30 यानी रूट 3। फिर इनटू में, ये बीच में किसी का साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन है यानी डॉट दे दिया मैंने, sec 30, sec का 30 में देखिए तो 2 बाय रूट 3, धीरे धीरे देखिए, प्लस cos 60, cos का 60 में देखेंगे 1 बाय 2, एंड tan 45, दैट इज वेरी इजी, tan 45 इज 1, इनटू में ऐसा भी दिया इनटू ऐसा भी दिया तो भी चलेगा। अब कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कैलकुलेशन से बहुत भटके हैं, कैलकुलेशन आनी चाहिए, ये बेसिक बात होती है, बचपन से पढ़ते हैं, बचपन की बातें यहाँ पर ज़रूर काम में आएगी। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला रूट थ्री नीचे वाला रूट थ्री तुरंत कैंसिल, देखिए मैं काटता नहीं हूँ पर लेकिन काटता हूँ, तो यहाँ पर 2 मिलेगा प्लस, अब यहाँ पर 1/2 इंटू 1, मल्टीप्लीकेशन में वन है तो वन इंटू एनीथिंग दैट इज एनीथिंग नॉट अ वन। अब यहां पर देखिए कैलकुलेशन पार्ट, तो कुछ लोगों को ये कैलकुलेशन दिक्कत देते हैं तो यहां पर एलसीएम वाला मेथड इस्तेमाल करता है, बीच में यदि प्लस माइनस का साइन आता है तो एलसीएम वाला मेथड 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, देखिए 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1 अपॉन 2, और फाइनल रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, फाइनल रिजल्ट आपको 5/2 मिलेगा।
आई थिंक क्वेश्चन आपको समझा होगा। वीडियो को पॉज करके ठीक ठीक से क्वेश्चन लिख लीजिए। काफ़ी सारे नए प्रॉब्लम हम लोग और सीखने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। प्रॉब्लम लिखिए और तुरंत हम लोग आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है। आई थिंक सब लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे होंगे ऐसा मैं समझता हूँ। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, तुरंत नेक्स्ट प्रॉब्लम को तैयार रहिए। बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री आता है तो एक आग लगनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है फोर इवेल्युएट, वापस से क्वेश्चन तो वही है इवेल्युएट, और इवेल्युएट के बाद में क्वेश्चन है फोर कॉट स्क्वायर 45, फोर कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में माइनस सेक्स स्क्वायर 60 डिग्री, फिर बाद में प्लस साइंस स्क्वायर 60 डिग्री, और फिर बाद में यदि बात करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ओके, क्वेश्चन कैसा भी रहो, आड़ा रहो टेढ़ा रहो, यदि आपको टेबल मालूम है तो आपका काम बहुत इजी होने वाला है, इतना समझ लो। तो किस प्रकार से आप लोग करेंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए, फोर एज इट इज़ मैंने लिखा, ठीक है, सॉल्यूशन में, ठीक है। रेड पेन नहीं यूज करता हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट को आँखों का प्रॉब्लम है, किसी को दो आँखें हैं, किसी को चार आँखें हैं, और उसमें भी वीडियो देखना नाजुक बात होती है। प्लीज़ फोर एज इट इज कॉट स्क्वेयर 45। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि कॉट स्क्वेयर 45, स्क्वेयर कहाँ से लाए जी। अरे भाई साहब, स्क्वेयर को देखना ही नहीं है फिलहाल में, स्क्वेयर को छोड़ दीजिए। पहले तो हम लोग देखेंगे कॉट 45 कहाँ है। तो देखिए भाई साहब, कॉट 45 है 1, तो यहाँ पर मैं कॉट 45 की वैल्यू 1 लिख लेता हूँ, पर लेकिन स्क्वेयर बाद में है तो स्क्वेयर बाद में जाएगा जी, इतना याद रखिए। वेरी गुड। सिमिलरली यहाँ पर यदि एक स्टेप आपको समझ में नहीं आ रही, बढ़ा कर लिखना है, तो इसी को किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये देखिए, कॉट स्क्वायर है मतलब फंक्शन का स्क्वायर है, तो फोर एज इट इज इसको लिखते समय कॉट 45 पहले और फिर बाद में स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको भी सेक 60 डिग्री पहले और उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं और फिर बाद में उसका स्क्वायर, और लास्टली कॉस 90 डिग्री लिख सकते हैं और उसका स्क्वायर। भावनाओं को समझो। अब तो समझ में आ गया, पहले स्क्वायर की वजह से दिक्कत जा रही थी, स्क्वायर मैंने बाहर डाल दिया, इसका ही मतलब ये होता है, इसका ही मतलब ये होता है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, समझ में आ रहा। तो यहाँ पर देखिए, ये फोर एज इट इज होगा, कॉट 45 देखिए तो सही 1 होता है और फिर 1 का ऊपर स्क्वायर है, माइनस सेक 60, देखो सेक 60 की वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ पर 2 लिखा और फिर बाद में उसका स्क्वायर दिया, प्लस यहाँ पर देखिए साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर है, हाँ, और प्लस कॉस 90। अब कॉस 90 कितना होता है, अब देखिए जी कॉस 90 कितना हो रहा है, 0, तो यहाँ पर 0 डाल दिया और उसका स्क्वायर। अब क्या है, वैल्यूज निकालनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखिए फोर एज इट इज 1 का स्क्वायर देखिए हवा में हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 × 4 दैट इज अ 4, वेरी गुड, माइनस 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहां पर आएंगे हाँ √3 का स्क्वायर। अब एक्चुअली इंडिविजुअल स्क्वायर जाता है ये, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के साथ रूट गेट क्या हो जाएगा, कैंसल, तो यहाँ पर मिलेगा 3, स्क्वायर के साथ रूट गेट कैंसल तो 3 मिलेगा, और नीचे भी 2 का स्क्वायर अलग जाएगा, ये स्क्वायर एक्चुअली दोनों को इंडिविजुअल रूप में जाता है, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर अलग, 2 का स्क्वायर अलग, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है, और 0 का स्क्वायर होता है क्या। अब कैलकुलेशन के तौर पर आप लोग माहिर है, यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, एक बार +4 एक बार -4, ये तो वैसे ही कट गए, -4 + 4 कट गए, 0 कभी लिखते नहीं है, तो आंसर कहाँ बचा, आंसर बचेगा 3/4 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो आई थिंक आपको समझा है
कि एक्चुअली किस प्रकार से प्रॉब्लम करने पड़ते हैं, इसी के बेसिस पर हम लोग एक प्रॉब्लम आपको एज अ होमवर्क देने वाले हैं। ट्राई कीजिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालकर हमें भेजिए, हम राह देख रहे हैं। तब तक के लिए बच्चों रुकिए, जाना नहीं है, होमवर्क तो बाकी है। तो यहाँ पर देखिए होमवर्क जल्दी से फटाफट लिख लीजिए, ये हो गया होगा आपका होमवर्क, लिख लीजिए फटाफट होमवर्क। डिटरमाइन एक्स, थोड़ा सा मैंने डिटरमाइन एक्स बोल दिया, इफ एक कंडीशन दिया है और कंडीशन में ऐसा लिखा है एक्स साइन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर बाद में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में 4 cos² 45 डिग्री इक्वल टू 2 sin² 45 डिग्री और प्लस 2 sin² 30 डिग्री प्लस 2 cos² चाहिए था, cos स्क्वायर 30 डिग्री और अपॉन में sin² 90 डिग्री और साथ में कितना होता है -4 cos² 45 डिग्री। उम्मीद रखता हूँ आज का सेशन आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। होमवर्क की राह देख रहे हैं, होमवर्क करके ज़रूर भेजिए, दुआओं में याद रखना। थैंक यू वेरी मच।